स्तरीय पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया मार्च माह से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर पंचायत चुनाव की सीटों पर आरक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा पंचायत चुनाव को लेकर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों में लाइसेंसी बंदूकों को जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और जिला बदर के अभियुक्तों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा कि जो लोग अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाए हैं वो अपना वोटर कार्ड बनवा लें। डीएम ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव का वोटर कार्ड अलग होता है तथा मतदाता सूची भी अलग होती है, इसलिए अपना वोट देने के लिए फॉर्म भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा आगे पंचायत चुनाव नज़दीक में होने वाली है, वैसे उसके लिए अभी फिलहाल जो लास्ट प्रकरण होता है, जो आरक्षण का प्रकरण है, वो अभी समय में जारी है, चल रहा है। उम्मीद है मार्च में शायद कभी घोषणा हो सकता है पंचायत चुनाव के लिए। उसी का लैंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर जो कितने बंदूकें हैं उसका चेकिंग कर रहे हैं, उसका बरामद कर रहे हैं, खासतौर पर जो हिस्ट्री शीटर है गाँव में और कितने माफिया टाइप का लोग हैं, कितने लोग लैंड ऑर्डर का इश्यू करा सकते हैं, उन्हीं लोग का कुछ लोग जिला बदर कर रहे हैं, कुछ लोग का कहीं जेल भेजना तो भेज रहे हैं, फिर बाकी गुंडा गैंगस्टर का अंदर भी कार्रवाई कर रहे हैं। और ताकि शांतिपूर्वक चुनाव के लिए ये तैयारी बहुत ज़रूरी है, हम और पुलिस प्रशासन, जो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मिल करके उसको अभियान चला करके हर गांव वाइज हम लोग हिस्ट्री शीटर का सूची बना रहे हैं, एक जो डिस्टर्ब कराने वाले की सूची बना रहे हैं और उन लोगों पर भी कार्रवाई करेंगे। आपसे अपेक्षा यही है, किसी को वोटर बनाना तो आप फॉर्म भरा के दे सकते हैं, वैसे आप ये ज़रूर याद रखना होगा ताकि इसी का वोटर लिस्ट अलग बनती है, जो आपका नॉर्मल चुनाव होता है विधायक और सांसदी चुनाव का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है, उसको सूची अलग है और ये राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से सूची बनती है। और ख़ासतौर पर जो स्थानीय निकाय और पंचायत जो चुनाव, इसके लिए अलग सूची बनती है और इस पर ज़रूर आप पहचान लीजिए। और ये हम इंसिस्ट करता हूँ तो आपका नाम एक ही जगह होना है, इसी की वजह वाद विवाद होता है। यदि आप शहर में पहले ही वोटर है तो कृपया करके ग्रामीण में मत दर्ज करिए, ताकि मामूली तौर से आप गांव में रहते हैं तब आपका नाम रहेगा। यदि मान लीजिए आप बाहर मामूली तौर से बाहर रहते हैं, शहर में रहते हैं, नहीं तो कहीं बाहर रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, पंजाब रहते हैं, मुंबई रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, कृपया करके आपका नाम दर्ज मत करिए। आप यदि यहाँ मामूली तौर से रहते हैं तब आप दर्ज करिए। चुनाव के समय में आपका रहना होगा, उसके पहले भी चेकिंग होगा, उससे दौरान भी चेकिंग होता है, उस समय में आपका नाम होना चाहिए था, यही मैं निवेदन करता हूँ। बाकी पारदर्शिता चुनाव के लिए आपको सहयोग हमें चाहिए, ज़रूर आकर के वोट दीजिए, शांतिपूर्वक चुनाव आप लोग के साथ मिलकर हम लोग कराएंगे।